शनिवार को श्री संत गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में रविदास जयंती की भव्य शोभा यात्रा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्घाटन पूर्व सांसद ठाकुर सर्वेश सिंह ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात वहां मौजूद दलित समाज के एवं शहर के गणमान्य लोगों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होकर पानों का दरीबा, मंडी चौक, चौमुक्का पुल, टाउन हॉल होते हुए नगर निगम प्रांगण में संपन्न हुई, जिसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि हर इंसान को रविदास जी के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। इस मौके पर गुरु संत रविदास समिति के जिला अध्यक्ष टिम्पल सागर, भारतीय जनता पार्टी बिजनौर से पूर्व सांसद शीश राम रवि, ओम प्रकाश सागर, जोन मेजर ओमकार सिंह, सचिन चौधरी सदस्य जिला पंचायत विजय सिंह, प्रमोद कुमार सागर, हरपाल सिंह, प्रदीप गुर्जर, स्वरूप सिंह वर्मा, छत्रपाल सिंह सैनी, राजेश उपाध्याय, रामपाल सिंह, जवाहरलाल, ओमिलाल वाल्मीकि, महावीर प्रसाद मौर्य समेत कई गणमान्य व समाज सेवक मौजूद रहे। ये जो 644वां जन्म दिवस है, आज माघ पूर्णिमा है। आज से 644 वर्ष पहले संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने बनारस में जन्म लिया था, और उस समय जब वो पैदा हुए थे उस समय जो है राजतंत्र था। उस समय भी उन्होंने जो है मतलब 40 साल की यौवन अवस्था में आते आते उन्होंने जो है पराधीनता पाप है तो पराधीन होना पाप कहा था। उसके बाद में उन्होंने बेगमपुरा शहर बसाने की बात की, देश को बेगमपुरा ऐसा देश जहाँ पर बेगम होकर आदमी जीवन जिए। आज इस कार्यक्रम में ये जो राजकीय इंटर कॉलेज से शोभा यात्रा सीधे जो है पूरे शहर में मुरादाबाद में निकलती हुई और टाउन हॉल पर पहुंचेगी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमार सर्वेश जी हैं, जो अपने मुरादाबाद के पूर्व सांसद हैं, और इन्हीं के साथ में बहुत सारे अपने प्रेमी जी